हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो क्यों ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर चल रहा था, तो काफ़ी शोर हो रहा था, जिससे रिकॉर्डिंग मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। और रात को भी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करता था क्योंकि पहले भी मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी रात को, और काफ़ी जो साउंड वेव्स होती है वो रिकॉर्ड हो गई थी, जिससे आवाज़ रात को भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसीलिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं महंगे महंगे उपकरण खरीद के या रात को या किसी शांत जगह पे रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो जैसे तैसे करके मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आता हूं, और बस आपसे यही मतलब उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन सबको भी पता चले कि जो भी मैं है इस अपने इस चैनल पे वीडियो लेकर आता हूँ तो उनसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यह वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8th क्लास का कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट, जो पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से है। तो 8th क्लास के लेसन को अब मैं नहीं सिखाऊंगा, हालांकि लेसन को मैं सिखाने की पहले कोशिश की थी। किसी ने भी मेरे लेसन वाली वीडियोस को नहीं देखा जो 10th क्लास की वीडियो में मैंने सिखाया था, तो इसीलिए अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन आंसर्स को ही मैं आपको हिंदी में आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको इंग्लिश में या हिंदी में याद रखने में आसानी हो। और जब भी आप इस वीडियो को अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप इस क्वेश्चन आंसर्स को कैसे आसानी से याद कर सकते हो और अपने जो पेपर है कंप्यूटर के, उसमें कैसे पेपर को कंप्लीट कर पाओगे आसानी से। तो इसमें मैं अब आपको पहला क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। मैं सीधा आपको लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं। पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय देम। छोड़ो, मैं इंग्लिश क्या पढ़नी है, इंग्लिश तो आपको दिख ही रही है, पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको हिंदी में ही सीधा बताता हूँ कि आप मेल मर्ज को कैसे समझते हो, और मेल मर्ज को टाइप या परफॉर्म करने के स्टेप्स बताओ कि कैसे हम मेल मर्ज अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो इसका स्टेप और मेल मर्ज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये रहा 1.9 में। पहले तो लिखा हुआ है कि मेल मर्ज जो रिक्वायरमेंट है वो अपने लेटर्स को सेंड, मतलब लेटर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करने के लिए काम में आती है अलग अलग लोगों को। मान लो कि अगर आपने एक लेटर लिखा है, जैसे ये एक लेटर आपने लिख दिया, और इसी लेटर को आपने तकरीबन 10 लोगों को भेजना है, तो आप एक लेटर पहले अपने डॉक्यूमेंट में लिखोगे और मेल मर्ज के ज़रिए आप उन 10 लोगों के एड्रेस यानी कि पता अलग अलग सेव कर लोगे। तो आपको ये बार बार हर एक लोगों के लेटर में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एड्रेस जो आपने है रखे है सभी उन 10 लोगों के एड्रेस में बस ये इंसर्ट करना है मेल मर्ज के ज़रिए, जिससे आपका एक लेटर, मतलब प्रॉपर लेटर फॉर्मेट में बन जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपको जैसे कोई बिल होता है, जैसे इंटरनेट का बिल हो जाए, बिजली का बिल हो जाए, या कोई भी बिल, टेलीफोन्स का बिल, या आपका पोस्टपेड अगर फ़ोन लिया है तो उसका बिल जो आपके घर में आता है, तो वो सारी कंपनियां ऐसे ही बिल भेजती है, सारा का सारा लेटर उनके पास टाइप होता है, बस आपका एड्रेस उन्होंने इंसर्ट करना होता है मेल मर्ज के जरिए, जिससे आपको वो लेटर अपने टाइम से मिल जाता है। तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि मेल मर्ज का आपको तरीका तो समझ आ ही गया कि मेल मर्ज किस लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये सारा का सारा एड्रेस चेंज, वेरी लॉन्ग
मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, बस अब आप स्टेप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसीलिए स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा पहला स्टेप कि पहले हमें मेल मर्ज टैब पर क्लिक करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा मेलिंग, ऊपर को मेलिंग पर ये रहा स्टार्ट मेल मर्ज, और स्टार्ट मेल मर्ज में हम लेटर पर क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप विजिट पे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप विजिट, तो यहाँ पर क्लिक करने पर ये राइट साइड पे आप देख सकते हो ऑप्शन खुल गई है। तो ये ऑप्शन आपकी बुक में भी बनी हुई है, ये देखो बुक में बने हुआ है स्टेप, और मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। तो इसे हम आगे और आगे बढ़ाते हैं, ये देखो खुल गया है डॉक्यूमेंट पे। अब हम लेटर पे सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये रहा 6 स्टेप, नेक्स्ट 7, 8, ये देखो नेक्स्ट पे हम क्लिक किया, आगे 8 ऑप्शन आ चुकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमें यही डॉक्यूमेंट करंट इस्तेमाल करना है तो यहाँ यूज करंट पे करेंगे, तो अगर पहले से कुछ और एग्जिस्ट है यानी कोई और डॉक्यूमेंट पे करना है तो एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। पर जैसे कि ये आपकी बुक में लिखा है, हम ऐसे ही करेंगे, करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है हमने, और आगे देखते हैं स्टेप। ये रहा 9 स्टेप, 9 स्टेप पे लिखा हुआ है कि हम न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम एक लिस्ट नई क्रिएट करेंगे, यानी कि इस लिस्ट में आपके कस्टमर या किसी भी लोग का एड्रेस भरा जाएगा जिसे भी आप लेटर भेजना चाहते हो। और अगर आपके पास पहले से ही एड्रेस भरा हुआ है तो आप यूज एग्जिस्ट करके ब्राउज पर क्लिक करके वो एड्रेस को, मतलब कि इस एड्रेस को अभी हमने कुछ भी एड्रेस नहीं रखा है, सेव नहीं किया है, तो इस एड्रेस को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने पहले सेव करके रखा है। तो नहीं सेव किया है तो टाइप न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ये देखो नेक्स्ट पर क्लिक, नेक्स्ट दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में आपको। आपको ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे कईयों ने कहा कि मैं वीडियो बहुत लंबी बनाता हूँ ना, तो इसीलिए। तो ये देखो अब क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करने पर ये जैसे बना हुआ है आपकी किताब में, ऐसे ही हमें कुछ इंफॉर्मेशंस भरनी है, जो भी इंफॉर्मेशन हम भरना चाहते हैं पूरा का पूरा एड्रेस में, फिर ओके, देन सेव कर देंगे 1, 2, 3, चलो 1, 2 ही लिख दिया है, और फिर देन ओके। तो ये रहा सेव हो गया है डॉक्यूमेंट, ये देखो आप देख सकते हो। तो ये रहा यूज एग्जिस्ट पर सेव हो चुका है पहले से ही। अगर और आपने कोई और एड्रेस फिर से दोबारा डालना है तो फिर से न्यू टाइप पे क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक करोगे, और नहीं तो आप यूज एग्जिस्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो ये देखो मैं आगे बढ़ाकर दिखा देता हूँ आपको, ये रही अगली ऑप्शंस। तो आप अगर इसी एड्रेस को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट भी लिखा हुआ है, एडिट पर क्लिक करके ये देखो ऐसे ही ऑप्शन खुल गई है। तो आप इस ऑप्शन को एडिट, फिल्टर या कुछ और जितने आपने चाहे लोगों के एड्रेस भर के कर सकते हो, एडिट करो चाहे लोगों के एड्रेस अलग अलग भरो या जैसे मर्जी कर सकते हो। तो जब आपके पास आपका जिसे भी आप लेटर भेजना चाहते हो मेल मर्ज के जरिए, तो उसका एड्रेस अगर कम्प्लीटली आपने टाइप कर लिया है, लिख लिया है, ठीक से आपने उसे भर लिया है, तो आप नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करेंगे यूज एग्जिस्ट लेटर करके, ये सिलेक्ट करने पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखो अगली ऑप्शन आ गई है, यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ अगली ऑप्शन। ओके, तो ये इन्होंने दूसरे तरीके से बता दिया है, पोजीशन फील्ड। तो ये उन्होंने दूसरे तरीके से बता दिया है कि लेटर को हम कैसे पोजीशन में करते हैं या फील्ड में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दी गई है, टाइटल, इंसर्ट फील्ड्स या और ऑप्शनों के जरिए। तो ये देखो इंसर्ट में आप अपने हिसाब से कैसे फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम रखना है, किसी को लेटर लिख रहे हो तो पूरी डिटेल के साथ।
तो अगर आप इसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि ये रहा एड्रेस बुक्स या ब्लॉक कहे तो, ये है रहा एड्रेस ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रहा एड्रेस, हमने तीन नाम लिखे थे, तो इसे आप किसी भी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि कैसे रखना है। तो ये सारे के सारी ऑप्शन बताई गई है कि यहाँ पर जो ऑप्शन बताई है कि कैसे आपने रखना है, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर भी बताई हुई है कि आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करके कैसे रखना चाहते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या अगर आप पूरा भरोगे ना, ये तो मैंने वैसे ही भर दिया था नाम कुछ भी, तो अगर आप ठीक से भरोगे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अगर ठीक से भरोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा एड्रेस कैसे लिखा हुआ आता है आपके डॉक्यूमेंट पर। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, तो आप आराम से ध्यान से पूरा टाइम लगा कर करना, ठीक है। तो हम अगली ऑप्शन पे चलते हैं, अगली ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। अगली ऑप्शन में देख सकते हो कि ये एड्रेस पूरा का पूरा लिखा आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे और बढ़ाकर, ये देखो प्रव्यू, और प्रव्यू के बाद ये पूछ रहा है कि हमें कहाँ पर इसे पोजीशन, मतलब कहाँ पर सेट करना है। तो ये सेट करने की ऑप्शंस है कि रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर लगा हुआ है, कि ठीक से हमने रखा है डॉक्यूमेंट को अपने टाइप, मतलब ठीक से लग गया है या नहीं। तो उसके बाद हम कंप्लीट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लास्ट, और कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे हम उसमें पिक्चर डालें या कुछ भी डालें। तो ये कंप्लीट होने के बाद अगर हमें उसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पर हम एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद लास्ट ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, नीचे आ जाओ भाई, नीचे नीचे नीचे, ये देखो ऑल पे क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और फिर हमारा लेटर आ जाएगा मेल मर्ज पर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये खाली जगह देख रहे हो आप, तो यहाँ पर मैं एड्रेस ब्लॉक एक सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ये एड्रेस ब्लॉक आ गया है। तो फिर नेक्स्ट यानी प्रव्यू देखने के लिए, ये रहा हमारा एड्रेस भरा हुआ, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस भरा हुआ ये रहा आ रहा था, तो इसी तरह से एड्रेस भरा हुआ आ गया है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिसिप्ट को बैक या रिवर्स करके, और अगर नहीं तो फिर कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद हम एडिट पर क्लिक करेंगे और फिर ऑल एंड देन ओके। तो अब हमारा एक न्यू पेज खुल गया है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एक, देख रहे हो, और ये रहा दूसरा, यानी कि एक अलग से डॉक्यूमेंट अलग से खुल जाएगा, अलग से आपको लेटर मिल जाएगा अलग डॉक्यूमेंट पर, जब आप ऑल और ओके पर क्लिक कर दोगे, यानी आपका जब मेल मर्ज स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ये, तो एक अलग विंडो दोबारा से खुल जाएगी, यहाँ पर आपका एड्रेस पूरा लिखा हुआ कंप्लीट आ जाएगा। तो ये वाली विंडो में आप काम कर रहे थे और ये वाली आपकी विंडो कंप्लीट होकर आ गई है। तो इसी तरह से आप मेल मर्ज को ट्राई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो जब ये हो जाए तो आप अपनी मर्जी से सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, पर अभी मैं नहीं सेव कर रहा हूँ, तो इस मेल मर्ज के स्टेप को भी मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो कर दिया, और अब ये एड्रेस भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आपको पहला क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा, काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे एक टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, कोई भी एक तरीका बताइए। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे आप टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो इसे करने के लिए हमें स्टार्टिंग वाले पेजेस पर जाना पड़ेगा, तो ये रहा स्टार्टिंग पेज, तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, देख लीजिए।
तो इसे कैसे करना है, पहले इंसर्ट पे क्लिक करोगे, फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे, ये रहा इंसर्ट, इंसर्ट टेबल, तो ये आ गया है इंसर्ट टेबल। और यहाँ पर जितने आपको कॉलम या रो चाहिए उतने भर कर ओके पर क्लिक कर दोगे। तो क्लिक करने के बाद ये रहा जितने कॉलम या जितने रो चाहिए उतने भर कर ओके पर क्लिक कर दोगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपका टेबल है जो डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट हो जाएगा, और उस टेबल पर आप अपने मनपसंद फॉर्मेट यानी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो फिर। तो ये 5 स्टेप, सिंपली 5 स्टेप। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इतना लंबा नहीं था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये रही खाली जगह, ये रहा टेबल, ये इंसर्ट, पाँच पाँच की बजाय मैं कर देता हूँ इसे 8, और दो दो की बजाय मैं कर देता हूँ 3, और ओके। अब ये देखो, 1 2 3, 3 रो हो गई और 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइनें हैं कॉलम्स की और ये लाइनें हैं रो की, यानी कि जो लेटमी दिशा हिंदी में कहें तो क्षितिज, पंजाबी में लेटमी दिशा, और मतलब लेटमी दिशा, या इसे कह सकते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन इंग्लिश में, तो ये होती है रोस। और जो लंबाई में है, पंजाबी में लंबाई, और हिंदी में लंबात, और इंग्लिश में आप वर्टिकल कह सकते हैं, तो इसे कहते हैं कॉलम। और रो और कॉलम को मिलाकर जो बॉक्सेस बनते हैं, ये बॉक्स है, ये बॉक्स कहलाए जाते हैं सेल्स। तो ये सारा आपकी बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे बुक को। ये रहा बुक में फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग से ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे। ये रहा रो कॉलम, और जो बना बॉक्स वो सेल है। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अरे कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, चलो ऊपर ऊपर, अरे ऊपर ज़्यादा हो गया, ये रहा। तो इसमें लिखा है कि अलाइनमेंट जो टेबल में है वो कैसे प्रोसेस करती है, समझाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ अलाइनमेंट का भी तरीका। ऊपर आ जाओ, अच्छा अरे कहाँ गया, ये रहा। ये देखो, ये रहा अलाइनमेंट की ऑप्शंस। तो इसमें आपको देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अलाइनमेंट करनी है, वो पूरा तरीका लिखा हुआ है। पहले आप कर्सर को किसी भी टेबल पर क्लिक करोगे, यहाँ तो मैंने कोई टेबल अभी बनाया नहीं है, आप टेबल पहले बना लेना, ठीक है। तो फिर उस टेबल को अलाइनमेंट, मतलब टेबल में कुछ भर लेना, कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड या कुछ भी, तो उसको कैसे अलाइनमेंट सेट करनी है, फिर आप इस स्टेप को ट्राई करके देख सकते हो। तो इसमें लिखा है, पहले आप किसी भी टेबल के कर्सर पर क्लिक करोगे, फिर लेआउट टैब पर क्लिक करोगे। ऊपर लेआउट टैब है, जैसे ये तो पेज टैब है, ये पेज नहीं है, एक अलग से टैब बनकर आ जाता है लेआउट टैब, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो। तो इस लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे, जैसे ये पिक्चर पे बना हुआ है। तो प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद ये टेबल प्रॉपर्टी, नीचे वाली पिक्चर ये देख सकते हो, टेबल प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो टेबल प्रॉपर्टी खुलने के बाद आप अपने टैब की लेआउट यानी अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट को रखना है, सेंटर में, राइट में, या जैसे भी आप रखना चाहते हो। तो उस हिसाब से रखने के बाद आप ओके पर क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल है, अलाइनमेंट है, वो सेट हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर किसी भी टेबल पर राइट क्लिक करने के बाद, ये राइट क्लिक की ऑप्शन है, राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टी पर जाना, और वहाँ से भी आप इस अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। तो ये रहा अलाइनमेंट, यानी कि ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। हालांकि पहला लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, तो बाकी के दो लॉन्ग क्वेश्चन इतने भी लंबे नहीं थे जो आपको मुश्किल हो याद करने के लिए।
तो आपको मैंने हिंदी में तो समझा दिया है ये क्वेश्चन, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि आपको मैं पूरी डिटेल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो आ जाओ नीचे, नीचे ये रहा, नीचे आ गए हैं हम, काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपने समझ लिए है, और ये रहे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, तो इसीलिए मैं आपको जल्दी से ये भी समझा देता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आप इंसर्ट पर क्लिक करोगे, फिर टेबल पर क्लिक करोगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्जी से जितना चाहो टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद जितना भी आप टेबल रखना चाहते हो वो सिलेक्ट करने के बाद अपनी मर्जी से टेबल के डिज़ाइन को ले सकते हो। जैसे कि ये देखो, इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने, टेबल पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये रहा खाली जगह, इंसर्ट टेबल, और अपनी मर्जी से मैं जितना टेबल रखना चाहता हूँ वो मैंने ले लिए। और लेने के बाद मैं अपना टेबल का डिज़ाइन जैसे चाहे वैसा कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गई है। पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप आसानी से समझोगे या देखोगे। सिर्फ चार लाइनें हैं, हालांकि मुझे पता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट नहीं लग रहा है आपको, पर फिर भी अगर इसी तरीके से आप करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये सही होगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन पहला, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। अरे आगे, तो ये रहा अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो पहला जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी बताया गया था कि हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो ये एक तरीका यहाँ पर पता चल गया है आपको कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट पर, और दूसरा तरीका यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में पता चल गया है। तो दो तरीके आपको पता चल गए हैं कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट पर। तो दोनों तरीके आप चाहे दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर रख सकते हो या दोनों में अलग अलग रख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाए हैं ये दो तरीके अलग अलग। तो वो आपकी खुद की मर्जी है, पर दोनों क्वेश्चनों के दोनों आंसर ही सही है। तो अब हम सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो छोटा क्वेश्चन है उससे समझते हैं। इसमें लिखा है कि हम स्प्लिट सेल का ऑप्शन कैसे करते हैं। तो स्प्लिट सेल का ऑप्शन अगर हम करते हैं, तो स्प्लिट सेल का मतलब है कि एक सेल को हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक इरेजर है, इरेजर यानी रबड़ है, तो उसे अगर आप बीच में से चाकू से काट दो तो वो कितनी बन जाएगी, दो। तो इसी तरह से एक इरेजर यानी वो है एक सेल है, तो उस सेल को अगर बीच में से काट दो यानी स्प्लिट कर दो तो वो दो बन जाएगी। तो अगर हम दो बना सकते हैं तो उसे कई सेल में भी बांट सकते हैं, यानी जितने मर्जी उसके टुकड़े कर सकते हैं। इसी को हम स्प्लिट सेल कहते हैं। तो अगली ऑप्शन है कि हम कॉलम, जो कॉलम विधु है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बाय प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स है उसकी मदद से हम जो कॉलम विधु है उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि मर्ज सेल ऑप्शन क्या होती है या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मर्ज सेल का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने पहले स्प्लिट किया था, यानी कि एक सेल को काट कर कई सेल में बना लिया था, तो अब उसी सारे सेल को जोड़ कर, चाहे ग्लू से जोड़िए चाहे जैसे मर्जी जोड़िए, तो वो अगर जुड़ कर एक बन जाए तो उसे हम मर्ज कहेंगे। यानी कि अगर है हमने दो इरेजर, मतलब एक इरेजर के दो टुकड़े कर दिए थे तो उसे स्प्लिट कह देंगे, और उसी इरेजर को अगर हम दोबारा जोड़ के एक बना लें तो वह बन जाएगी
मतलब तो वह मर्ज हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक बन जाएगी। तो ये है मर्ज सेल का मतलब, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़कर एक सेल में बदलना। तो अगला क्वेश्चन है, डाटा सोर्स क्या है? डाटा सोर्स जो हम नेम या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन को यानी जानकारी को हम अपनी फाइल में कंटेन यानी रखते हैं, उसे हम डाटा सोर्स कहते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिखकर एक फाइल में हमने रखा है, तो ये हमारा एक डाटा सोर्स बन गया है, तो इसे ही हम डाटा सोर्स कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो मेन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि हम एक लेटर में या मतलब एक लेटर में हम कुछ भी लिखकर किसी कई मतलब कई लोगों को जो हम सेंड करते हैं उस लेटर को, तो उसे कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट। मान लो कि ये एक फाइल मैंने पूरी की पूरी बना ली है, और ये फाइल अब मैं अपने जितने भी जानकार हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी अगर मुझसे मांगता है तो मैं उसे अगर सेंड करता हूँ, तो उसे मैं अपना एक अपना मेन डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं मेन डॉक्यूमेंट, जिसे हम कंप्लीट फाइल बना लेते हैं, एक फार्मेट में बना लेते हैं, चाहे वो लेटर फार्मेट है या कोई भी एक फार्मेट है, तो उसे ही मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो अब आप शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ गए हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ गए हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और अब मैं आपको ट्रू फॉल्स सही गलत भी बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। तो पहले का आंसर है गलत, दूसरे का सही, तीसरे का सही, चौथे का गलत, और ये तो काफ़ी जल्दी हो गया ना। तो मैं बता देता हूँ कि पहले ही ऑप्शन में लिखा है शिफ्ट टैब की से हम किसी अगले सेल में मूव कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। जैसे सेल बने होते हैं ना कितने बड़े, ये देखो मैं एक मिनट सेल बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये हम मैंने कुछ सेल बना दिए हैं, तो मैं ये अभी पहले सेल पे हूँ, तो इस सेल से मैं अपने अगले सेल में जाता हूँ तो शिफ्ट टैब दबाऊंगा। तो शिफ्ट टैब दबाने से मैं इस अगले सेल से अगले सेल से अगले सेल या किसी भी सेल में जा सकता हूँ, तो ये ऑप्शन गलत है। शिफ्ट टैब से हम ऐसे अलग अलग सेल में नहीं जा सकते हैं, समझ गए? तो उसके बाद अगली ऑप्शन है जो रो और कॉलम को हम सेल कहते हैं, वो सही है, क्योंकि रो और कॉलम मिलकर ही एक सेल बनता है। तो डाटा सोर्स हम टैक्स वाइज सेंड करते हैं रिसिप्ट को, तो डाटा सोर्स में हम टैक्स ही लिखा हुआ है, ये देखो, यानी कि ये सही हो गया। तो स्प्लिट सेल हम अपने टेबल ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं, स्प्लिट सेल का मतलब तो होता है किसी एक सेल को दो भागों में बांटना, ना कि टेबल को दिखाना यानी प्रेजेंट करना, तो इसीलिए ये गलत हो गया। तो अगली ऑप्शन में बताया है कि सेल को हम मर्ज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है, क्योंकि सेल को तो हम मर्ज कर सकते हैं, ये देखो मर्ज करके दिखा देता हूँ, ये रही मर्ज ऑप्शन, ये सेल बन गया एक, तो ये रहा दूसरा सेल, तो इसे मैं स्प्लिट करके भी दिखा देता हूँ अब आपको, ये रही स्प्लिट ऑप्शन, तो ये बन गए दो, बीच में कट के वन और टू, ये सेल एक, समझ गए? तो स्प्लिट करना या मर्ज करना आप समझ गए हो, क्वेश्चन सॉरी ट्रू फॉल्स भी आप समझ में आ गया है, और अब रह गए हैं फिलिंग्स दी ब्लैंक यानी खाली थावा, तो इसे भी आप जल्दी से देख लीजिए, इसे भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, आधा घंटा हो गया है वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए। तो पहली ऑप्शन में लिखा है कि टैब की के साथ हम किसी भी कर्सर या टेबल में मूव कर सकते हैं, ना कि शिफ्ट टैब से, शिफ्ट प्लस टैब से नहीं, ओनली टैब बटन से। तो अगली ऑप्शन में बताया है कि हम टेबल बटन में होम सॉरी इंसर्ट टैब के साथ कोई भी टेबल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो टेबल टैब में इंसर्ट कर सकते हैं जितने भी टैब आपने इंसर्ट करना चाहते हो। तो अगली ऑप्शन में बताया है कि हम चेंज कर सकते हैं अपने कॉलम के हाइट या वेट विद्युत, तो वो कौन सी ऑप्शन है? वो है प्रॉपर्टी ऑप्शन। तो टेबल में हम कोई भी अपने विद्युत चेंज करना है तो वो प्रॉपर्टी ऑप्शन के साथ हम चेंज करते हैं।
तो अगली ऑप्शन में लिखा है कि डाटा सोर्स हम अपने रिसिप्ट को यानी अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं कई लोगों को, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में समझाया था। तो लास्ट क्वेश्चन में भी डाटा सोर्स है कि हम मेलिंग लिस्ट में डाटा सोर्स की मदद से हम मेलिंग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोगों को, मतलब डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, जैसे हम मेल मर्ज का इस्तेमाल किया था, तो वो सारा का सारा हम डाटा सोर्स के ज़रिए ही करते हैं। मतलब अपना डाटा जो बनाया है उसे ही सेंड करेंगे, बिना डाटा बनाए क्या सेंड करोगे आप। तो अब आप सॉरी अब आपको सब समझ तो आ ही गया है, मैंने जल्दी जल्दी से सारा बोला है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं YouTube में अपने कमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा देखता हूँ। तो आप YouTube पर कमेंट कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आई है तो आपको मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। और अगर कुछ ज़्यादा लंबा हुआ समझाने को तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं लोग किसी और टॉपिक को भी लाने के लिए, तो वो टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही जल्द इस चैनल पर आ जाएगा। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने टॉपिक्स मुझे बताए कि मैं क्या क्या या किस किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। कोई भी टॉपिक आप बता सकते हो जो भी कंप्यूटर के रिलेटिव जुड़ा हो। तो इसी से मैं अपने इस चैनल की ग्रोथ कर पाऊंगा, नहीं तो अगर ग्रोथ नहीं हो पाती है तो मेरा चैनल शायद ये बंद हो जाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में। हाँ, मैं महीने ही कह रहा हूँ, साल नहीं और ना ही दिन, क्योंकि साल भर तो है मेरा चैनल रहेगा ही नहीं अगर ग्रोथ नहीं हुई तो। और थोड़े दिन तो लग जाएंगे, यानी कुछ महीने लग जाएंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखा कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि पूरी वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ क्या आपको बता रहा हूँ। तो बताइए मुझे कोई भी टॉपिक कंप्यूटर के रिलेटिव। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।